नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, केम छो, जय हिंद। मैं रोहित लाल, आज हमारे चौधरी साहब है लेखराम जी, उनके फार्म हाउस पे आया हूँ, जो कि काफ़ी मिन्नत करने के बाद, काफ़ी दिनों बाद हमें अपना टाइम दिया है आपके इनके फार्म हाउस पे शूटिंग करने के लिए और इनका थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेने के लिए। और मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी पहलवान के लिए, क्योंकि इनका जो स्पोर्टी जो एक नेचर है और उसके हिसाब से इन्होंने अपना ये फार्म हाउस लिया था। लोग फार्म हाउस लेते हैं अपने शादी ब्याह फंक्शन के लिए या वहाँ पे रहने के लिए, पर इनका जो एक जो मन में जो इच्छा थी कि यहाँ पे इस गांव में आके इस ये फार्म हाउस लूँ मैं और एक व्यायामशाला बनाऊँ। थोड़ा व्यायामशाला को दिखाइए, ये व्यायामशाला है जो कि, आइए आइए, जो कि इनके जो मास्टर चंदकी राम जी के नाम से हैं, ये जो बहुत ही बड़े कुश्ती के गुरु रह चुके हैं। तो ये भी शायद ये भी इनसे पूछेंगे इन्होंने ये नाम किस लिए रखा है। और ये अखाड़ा है इनका, ये देखिए ये अखाड़ा है और इसके जो मिट्टी है ये देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी है और ये इस नाम से रखा गया। स्वर्गीय गुरु मास्टर चंदकी राम पद्मश्री अखाड़ा जगदीश काली रमन DSP ग्राम पावड़ा लेखराम खलीफा जी। तो मैं आपके साथ इस जर्नी के अंदर इनकी थोड़ी जो लाइफ इनकी हिस्ट्री है वो जानेंगे इस बारे में। मैं अभी लेखराम जी को इसलिए नहीं लाना चाह रहा कि अभी थोड़ा सा वो बिजी है और जब बैठेंगे चाय पे तो आज की चाय की चर्चा ये रहेगी। और ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विवेक जी का, जो इन्होंने एक इंटरव्यू देने लेने के लिए काफ़ी मेहनत करी थी, यही सारा फॉलोअप कर रहे थे और इन्होंने बोला कि इनका चौधरी साहब का इंटरव्यू लेंगे हम। थैंक यू विवेक जी। और अब मैं चंदकी राम जी के पास जाऊँगा और उनसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, आइए। नमस्कार दोस्तों, फिर दोबारा मैं आ गया हूँ अपने चैनल रोहित लाल ब्लॉग्स के नाम से। तो मैं अभी बोल रहा था कि चौधरी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया है और विवेक से भी शुक्रिया है कि मैं यहाँ पे चौधरी साहब को इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो दो चार जो बातें हैं मैं पूछूँगा चौधरी साहब से, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स के लिए और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सपोर्ट करा है स्पोर्ट्स को लेकर, तो उनमें से एक हम इनको भी समझते हैं कि एक अपनी भावना जो स्पोर्ट्स के प्रति वो एक गाँव में ला के इन्होंने कैसे तैयार करा है। तो मैं चौधरी साहब से बात करना चाहता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया चाहता हूँ आपका कि आपने टाइम दिया हमें इतना और अपने इतने अच्छे फार्म हाउस पे लेके आए हैं, कि आप कोटला के वासी हैं। आपका भी। अरे धन्यवाद धन्यवाद। और कोटला के निवासी हैं सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोटला में आप इतने सालों से रह रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको कई साल हो गए होंगे, तो आप थोड़ा सा कोटला के बारे में बताएंगे कि कितनी पीढ़ियों से आप वो कर रहे हैं। मुबारक को जो है कम से कम 4-5 पीढ़ी करीब होगी हमारी, 400 साल के करीब, 400-500 के बीच में है। अच्छा, तो हम तो बुजुर्गों को देख नहीं पाए, अपने एक दो बुजुर्गों को देख पाए, दादाजी जी जी, पिताजी, अपने परिवार को, जैसे हमारे चौधरी नारायण सिंह थे अपने से बड़े, वो भी इस लाइन में थे। अच्छा, पहलवानी में। उनके छोटे भाई चौधरी होराम जी थे जिनके मैं बेटा हूँ। अच्छा, वो भी पहलवानी के ही थे, उन्होंने भी अखाड़ा अपना बनाया। तो पहलवानी का शौक हमारे पूरे परिवार में पहले से ही है, खानदानी पैसा है कुछ, तो बचपन से ही पहलवानी हमने की है। तो चौधरी साहब, मैं जानना चाहता हूँ कौन सी उम्र से आपने पहलवानी शुरू कर दी थी? ये 6-7 साल की उम्र से ही, पिताजी को जो है मुझे अपने साथ बैठा के ले जाना जी, अखाड़े में छोड़ना। पहलवानी तो क्या, कौन से हमने अखाड़े खोदने थे, लेकिन उनका काम था लंगोटी बांधना, जो पहलवान में जो करते थे उनसे लिपटना गिरना, वैसे लिपटना, बच्चों के खेल के तरीके से रखते थे। तो वही शौक करते करते 2-3 साल के करीब जब हम 9-10 साल के हुए तो उन्होंने फिर लंगोट बांधना चालू कर दिया। उस तरीके के बच्चे आने लगे आस्ते आस्ते आस्ते, उसमें चलते रहे। फिर हमारे पिताजी ने, जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने एक अखाड़ा एक आईएनए के पास नेहरू क्लब के नाम से खोला था। अच्छा, ये काफ़ी पुराना क्लब था, उसमें काफ़ी हम पहलवान थे, जैसे कि छोटे पहलवान, प्यारे पहलवान। अच्छा। प्यारे पहलवान हमारा इस ढंग का एक पहलवान था, उनकी प्रोनसल्टी लंबी चौड़ी थी, 100 किलो करीब वजन था और स्मार्ट और गोरे चिट्टे थे और पहलवानी
में हमारे इलाके में उन्हीं के नाम से पेरन जी का नाम रुतबा था, मशहूर था, एक रुतबा था, रुतबा था कि पेरन जी के नाम से प्यारे पहलवान पेरन जी के। तो उसमें पहलवानी हमने अच्छे स्तर पर करी, लेकिन उस स्तर पर तो पहुँच नहीं पाए जहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ी सी कमी थी हमारे गुरु जी में कि बड़े पहलवानों से लड़वाना। अच्छा। और बड़ों से लड़वाना तो उसमें पीटने तो जाते नहीं थे जी, उनसे तो बचना है, बराबर करनी है जी, तो वही हमें एक आदत गंदी पड़ गई, बचना है। अच्छा। तो मैं आज इन बच्चों को यही सिखाता हूँ, बेटा अपने से बड़ों से ना लड़ो, इस लेवल में, इस लेवल में, इस लेवल में, जिसमें इस लेवल में लड़ोगे तो आप कम से कम लड़ना सीखोगे, बिल्कुल बड़ी लेवल लड़ाएंगे तो आप बचोगे, भगोगे। तो मैं वही चीज़ मुझे याद आ जाती है कि हम इसलिए नहीं बन पाए, तो मैंने ये बच्चे बनाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा अखाड़े का तरीका है। तो आपने देखा कि इन्होंने की जो जर्नी 6 साल की उम्र से स्टार्ट हो गई थी पहलवान की, पर जो इन्होंने सबसे अच्छी बात कही कि जो उनकी ट्रेनिंग थी वो एक बचाव की ट्रेनिंग करी थी इन्होंने। तो ये चाहते हैं कि मैं ऐसी ट्रेनिंग अपने स्टूडेंट को ना दूँ, और जो कि ये चाहते हैं कि इनसे जो स्टूडेंट के जैसे 50 साल का 50 किलो का एक स्टूडेंट है या 10 किलो का स्टूडेंट है, 20 किलो का, तो उससे 1-2 किलो ऊपर से लड़ाई कर ले, जो कि एक बचाव तो करे करे प्लस लड़ाई भी करे उसके साथ और जीत के भी आए। तो इनकी भावना देखिए कि बच्चों को एक चैंपियन बनाना चाहते हैं। तो चौधरी साहब, मैं और ये जानना चाहूँगा, ये फार्म हाउस किस पर्पज़ के लिए लिए आपने? ये फार्म जो है, मैं यहाँ पर धौज एक है गाँव, तो उसमें छुट्टी बोलते थे एक पहलवान, उसका नाम तारा था, फरीदाबाद से। तो यहाँ इस गाँव में मेरी सिस्टर हैं, तो इस गांव से लोग मुझे लेके आए थे कोटला से कि यार वहाँ चलना है और एक पहलवान है जो छुट्टी बोलता है, उसकी आप ज़्यादा छुटा सकते हो। तो मुझे लेके आए थे पहली बार, तो मैं छुट्टी की उसी लड़के गया। उसके बाद मैं 3-4 साल हमेशा छुट्टी की बोल कर जाता था। उसके बाद जब मैंने जगह ली है तो ये लोग इकट्ठे हो गए गाँव के, बोलने लगे अरे जगह तो आपने ली है पहलवान जी, यहाँ पहलवानी आपको आती है, इन बच्चों का शौक पूरा कर दो। इन बच्चों की वजह से गाँव वालों ने ही मुझे सपोर्ट किया तो ये अखाड़ा खोला है। मेरी भी दिल इच्छा थी मेरा टाइम पास होगा। एक स्पोर्ट ही आपके अंदर वो था ना कि मतलब स्पोर्ट्स के रिलेटेड आप कुछ काम करें? हमारे खून के अंदर ही जो है रेसलिंग है। वो जितने पहलवान हैं जो मेडल लेके आए हैं उनके साथ में कुश्ती लड़ा हूँ। यही कमी थी कि मेडल लेके आए हमें उनसे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन उनसे भी हमने सीखा। जैसे पहलवान जयप्रकाश जी, उससे मेरी कुश्ती हुई कानपुर में जी, जी उससे हम पिटे जी, तगड़े थे। अच्छा। तो पिटेंगे वो तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, पहले आप बता रहे हैं। हरगोपाल आगरे वाला था, ऊंचा पहलवान था, उसे हमारी कुश्ती कालका जी उन्हें छुट्टी और चैलेंज किया। उस टाइम जो है जयप्रकाश भी थे, उनके पिताजी भी थे, आज नहीं है वो। अच्छा। जसराम खलीफा जी। अच्छा। वो लड़ने भी आए थे पिताजी से, भाई ये बहुत बड़ा पहलवान है, आप क्या कर रहे हो, उसे लड़वा रहे हो? पिताजी ने कहा छुट्टी बोल रहा है भैया, कोई लड़े या लड़ने दो। तो वो मेरे पिताजी ने शर्त रखी थी, उससे लड़ने कोई नहीं आया, तो पिताजी ने कहा लड़ो भाई लड़ो। तो मेरी कुश्ती वहाँ बराबर हुई। अच्छा। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं थोड़ा पहुँचा हूँ कहाँ तक। अच्छा। किससे लड़ाऊँ? तो मेरी हर चीज़ में मेरे काम आती है, कहीं भी बैठे होते हैं कोई पूछता है कि भाई आपकी कुश्ती किससे हुई, मेरी कुश्ती हरगोपाल से हुई। क्या बात। कोली प्रिया प्रकाश से हुई। बहुत बढ़िया। अशोक पहलवान रेलवे का है, उससे हुई। पहलवान राजेंद्र अपने रेलवे का पहलवान का नाम मेरा ध्यान नहीं आ रहा, उससे हुई। रतन पहलवान एक मिडकोला में सोना था, उससे हुई। दनकौर कुश्ती हुई। तो काफ़ी मैंने लोगों से कुश्तियाँ हुई हैं। चलिए आपकी मैं लिस्ट देखूंगा, मैं इसमें डालूंगा भी ज़रूर मेरे चैनल के ऊपर किस किस हिसाब से लिस्ट लिखी हुई है लिस्ट है। हाँ मैं आपको ज़रूर डालूंगा इसमें। चौधरी साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अपने व्यायाम का नाम रखा हुआ है चौधरी चंदकी राम मास्टर व्यायामशाला, तो चंदकी राम जी के पास आप सीखते थे? नहीं, वहाँ मेरे बेटे ने पहलवानी करी है करीब 4-5 साल। अच्छी अच्छी तरीके से पहलवानी करी है, किसी कारण वो कुश्ती फिर। अच्छा। तो वो जो आपके बेटे जब सीखते थे तब आप यहाँ पे मतलब आपका सोच थी कि आप इस एक दिन यहाँ पे व्यायामशाला खोलेंगे? नहीं, सोच नहीं थी उस टाइम, तो कुछ सोच नहीं थी। अच्छा। बेटे ने पहलवानी करी, ख़त्म हुई, तो एक मेरा सुनील बेटा था उसकी याद में एक दंगल कराता था मैं। अच्छा। सर बाबू पार्क में कराते थे? हाँ बाबू पार्क। ये मैं ये यहाँ मुझे याद है, तब मैं छोटा हुआ करता था, बाबू पार्क में आते थे जी, जी। और एक समय शायद चंदकी राम जी के बच्चे भी आए थे वहाँ पे लड़ाई करने के लिए, उनकी बेटी आई थी। बेटी आई थी और ये बात बता रहा हूँ मेरे ख्याल से 91-92 की बात है। जी जी जी। 90-91-92 की बात है। देखिए मेरी भी याददाश्त काफ़ी अच्छी है। मास्टर जी भी आते थे? हाँ मास्टर जी भी आते थे। जगदीश कारम जी भी, उनकी भी कुश्ती हुई है जी जी। और
बल्कि अपना गद्दा साथ में लेके आते थे मास्टर जी, लड़कियों को सिखाने के लिए, सिखाते हैं कुछ लड़ने के लिए। मास्टर जी तो खैर उनकी तो अच्छी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो इन्होंने अभी वार्तालाप कर रहे हैं हम इनसे, और भी वार्तालाप जारी चलती रहेगी हमारी। अरे हर्ष 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 इधर आओ बेटा। ऋषभ भूरा पहलवान और वो छोटो क्या नाम उसका, चार पांच बच्चे बोले ना भूरा, जो भूरा से प्रैक्टिस करता वो। तो चौधरी साहब, आपको जो मैं जो सोच रहा हूँ, किन में आपको ऐसी एक कला दिखाई देती है जो आगे जाके थोड़ा आपका नाम करे और एक अच्छा पहलवान बने, तो उनमें कौन कौन बताएंगे थोड़ा सा मुझे? ये हर्ष पहलवान है। अच्छा। बच्चा है ये, काफ़ी एक साल के करीब हो गया है, लंबाई अच्छी है, इसकी पकड़ अच्छी है, पढ़ने में ठीक है, और टाइम टेबल जो है इसका बहुत बढ़िया, सोने का, खाने का, रहने का। और इसके जो ताऊ जी हैं वो इसकी बड़ी हेल्प करते हैं, इसको लेके आते हैं, छोड़ के आते हैं, जो भी सामने दिखाई दे। तो ये मुझे होनहार लगता है, ये भी कुछ एक साल के बाद ठीक हो जाएगा तो फिर मैं इनको फिर दोबारा एक बार इंटरव्यू लेने आऊँगा आपका। इनको मैं जगदीश काली रमन के अखाड़े में भेजूंगा। अच्छा। कि हफ्ते में दो दिन वहाँ रह के आए, वेरी गुड, फिर थोड़ा अच्छा बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, फिर अपने दिल्ली वाले अखाड़े में जगदीश काली रमन के पास एक महीने, दो महीने, तीन महीने छोड़ जाऊँगा। ठीक है। तो रूटीन मैं बनाऊंगा, छोड़ना लेना, ये तो नर्सरी केजी है। बिल्कुल बिल्कुल। और केजी के बाद मैं फर्स्ट में मैं अपने अखाड़े में वहीं ले जाऊंगा, मास्टर जी के अखाड़े में। अच्छा, और कौन है इसके बाद आपको जो लगता इसके है? भाई ये बच्चे जो है मेरे चार पांच हैं, जैसे भूरा पहलवान है, ये ऋषभ है, अभी मैं इनको पकड़ दिखाऊंगा आपकी, किसकी बच्चे की इसकी। अच्छा। देखना इनको, पकड़ देखना। आपका नाम क्या बेटा? ऋषभ पहलवान। ऋषभ, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मुझे चार पाँच महीने हो गए। चार पाँच महीने। बड़ा मजा आ रहा है सबको? मजा आ रहा है यहाँ पे? उनको एक साल हो गया। बहुत बड़ा मजा आ रहा है, काफी एंजॉय कर रहे हो यहाँ पे, और आगे जाके पहलवानी करोगे? हाँ। और गुरुजी का नाम रोशन करना है? हाँ। आप चलिए। तो गुरुजी के हमने रिक्वेस्ट करी है, तो अपने स्टूडेंट को उन्होंने बोला है थोड़ा एक दो पकड़ दिखाने के लिए, तो मैं दिखाता हूँ पकड़ बच्चों की। तो दो बच्चे करेंगे जिनका नाम है भूरा पहलवान और ऋषभ, तो उनके पकड़ देखते हैं। बहुत अच्छे बैठो चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। निकाल उंगली खोलो, उंगली खोल, ये सब हाथ घूम घूम पापा, घूम 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 ऐसे घूमते रहे, मेरी तरफ घूम। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग? हाँ। एक उधर चले, उसको 100 रुपये तुम इस उधर पीछे खड़ा हो जाओ। हाँ चलो, अभी स्टार्ट करूंगा। 1 2 3 स्टार्ट। आराम से
तो ये गुरुजी, ये आपने चौधरी साहब, ये आपने इनको सबको सिखाया है? ये काफी, ये बिल्कुल सिखाया है, और ये मुझे लगता है कि काफी अच्छे इस समय आपके स्टूडेंट लग रहे हैं, जो कि आगे जाके हो सकता है आपका नाम रोशन करें। आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, बच्चे भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं मेरे ख्याल से, करेंगे बनाएंगे। हाँ तो चलिए चलते चलते बात करते हैं थोड़ी सी। जैसे आप आ गया जी, तो साहब ये तो आपका हमने अभी देखा है, जैसे आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो आगे क्या आपकी प्लानिंग रहेगी कि और कितने आपके साथ स्टूडेंट जुड़े? प्लानिंग ये है कि बच्चे आते रहेंगे, अभी काफ़ी बच्चे हो गए 15-20। हाँ, आस्ते आस्ते नर्सरी के जी करेंगे, ये मुझे लगेगा बच्चे ठीक हो गए, उसके बाद हम अपने अखाड़े में मास्टर चंद्रकांत का अखाड़ा जो दिल्ली में है, जगदीश कार्यक्रम संभालते हैं, सहदेव कोच हैं वो भी संभालते हैं। अभी हमारी एक लड़की मैंने लेके आई है, सिमरन, अच्छा लेके आई है, तो इसी तरह के ये बच्चे जाएंगे, उनको छोड़ के लेके आए करेंगे, आस्ते आस्ते बच्चे चलेंगे तो वहाँ तक ले जाएंगे। अच्छा, तो मतलब के जी यहाँ करने के बाद ये बच्चे वहीं के स्कूल के बच्चे हैं। तो मतलब नर्सरी के जी के बाद ये यहाँ तक आप 10वीं तक करवाएंगे, 11वीं और 12वीं शायद मेरे ख्याल वहाँ पे करवाएंगे। नर्सरी के जी के बाद वहाँ 2 दिन, वहाँ 6 दिन, यहाँ 2 दिन वहाँ। अच्छा, फिर 10वीं के बाद पक्का छोड़ देंगे। तो मास्टर जी के उसमें आप मेरे ख्याल से 1 साल बाद इनको मास्टर जी के पास भेज देंगे। 3 साल बाद तो नर्सरी के जी और फर्स्ट आपका ये रहेगा, चौथी पांचवी में छोड़ देंगे, चौथी पांचवी में रहेंगे आप, उनको वहाँ पे छोड़ेंगे चंदकी राम जी के, स्वर्गीय चंदकी राम जी के अखाड़े में, मास्टर जी के अखाड़े में। तो वहाँ पे क्या अपना कुछ एडमिशन के प्रोसीजर होते हैं इनके? एडमिशन का कोई नहीं, वहाँ खर्चा तो जो देखो ये है नहीं, लेकिन अपने खाने पीने का तो खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, रहने की सुविधा वहाँ जगदीश जी ने दे रखी है। अच्छा, बिजली पानी दे रखी है। अच्छा, और एसी की सुविधा कम देते हैं, क्योंकि मास्टर चंदकी राम ने हमेशा वहाँ कूलर रखे हैं और पंखा। नहीं सर, ये एक अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक इंस्टीट्यूट के अंदर अनुशासन होगा तभी बच्चे सीख पाएंगे। तो उसी तरीके से मतलब जैसे आपके गुरु थे वैसे ही आप अपना वो कर रहे हैं पूरा तरीका निभाते हैं। हाँ, तो चौधरी साहब मुझे एक चीज़ और पूछनी थी आपसे, मैं सॉरी थोड़ा लंबा इंटरव्यू ले रहा हूँ, पर आप मिलते नहीं मुझे इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है कि वैसे पहलवानों के जैसे जिस समय आप थे पहलवानी जब करते थे, जब सीखते थे, तो उस समय क्या खुराक थी और अभी क्या है, क्या डिफरेंस हो गया दोनों? उस टाइम तो खुराक मिलती नहीं थी, गरीबी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जितनी मिली, जितनी अपने माँ बापों ने दी, उसके तरीके से उस लेवल पर ठीक करी। आज के टाइम में पहलवानों की खुराक है, डाइट है, हर घर संपन्न है, बिल्कुल अब खाने के लिए सब कुछ है, तो पहलवानी नहीं कर रहे। आज के टाइम में खुराक की कोई कमी नहीं, डाइट की कमी नहीं, करने की कमी है। तो आप क्या मतलब इसकी थोड़ा मुझे बताएंगे, उस समय क्या आप एक्चुअली खाते थे पहलवानी के? टाइम जो है सारे हम जो शाम को दूध, सुबह दूध, दिन में दूध, कुल मिला के 2.5-3 किलो दूध पी लेना बस। अरे वाह। दही, मक्खन और जूस, बादाम की लस्सी कभी कभी, बादाम की लस्सी वो भी कभी कभी, महीने में 15 दिन पी ली, 15 दिन नहीं पी, और जबकि बादाम की लस्सी तो डेली ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको आप गरीबी समझ लो, हल्का समझ लो, लेकिन हाँ, आज के टाइम में तो बादाम की लस्सी बहुत ही जरूरी। तो मेरे ख्याल से यह नाना करते हैं आप, कम से 40 साल पहले की बात बता रहे होंगे, 40-45 साल पहले। हाँ, इतनी की बात मुझे लग रही थी बात, क्योंकि उस समय तो खैर इतना डेवलप भी नहीं थे हम, कोई भी इंडिया भी डेवलप नहीं था उतना, पर अब जितना जैसे उस समय पॉल्यूशन ज़्यादा, पॉल्यूशन नहीं था, अब पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो उस समय क्या कहते थे हम सब जब खाते भी थे ना वो लगता था, तो अभी खाना है पर वो लग नहीं रहा पहलवानों को, मुझे मेरे ख्याल से, आप क्या बोलते हैं इसमें? नहीं, खाना लगता है, जैसे यहाँ तो लगने वाली बात है, खुला है, आवाज़ खुली है, ये माहौल देखिए जी, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि कोरोना वायरस तो यहाँ पे तक पहुँच ही नहीं सकता। डाइट भी यहाँ अच्छी है, और डाइट जो है माँ भी होती है, पानी अच्छा है यहाँ का। हाँ, पानी बहुत बढ़िया है। तो एक और क्वेश्चन पूछना कि आप क्या सलाह देते हैं आजकल के नौजवान जो पहलवान हैं, उनको क्या सलाह करते हैं आप? नौजवान बच्चों को मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे टाइम टेबल से रहेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे, आगे आराम करेंगे 2 घंटे, और फिर सिर्फ अखाड़े की तरफ चलेंगे, अखाड़ा खाना पीना यही शौक करें, रिश्तेदारी में ना जाएं, शादियों में ना जाएं, कोई और शौक ना अपनाएं, सादापन में रहें,
तो बच्चे कामयाब होने का एक तरीका है। चौधरी साहब का मतलब ये है कि शादी में जाना चाहिए पर वो जंक फूड नहीं खाना चाहिए। नहीं, नहीं जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, शादी में जाना ही नहीं चाहिए। शादी में और खासकर मामाओं के यहाँ क्योंकि मामाओं के यहाँ बच्चे बिगड़ते हैं। और फिर बच्चे क्यों, क्या करने जाएंगे? तैयारी करो अपनी, सब बुलाएंगे, इस काबिल तो जाओ जाने के मतलब के। जब बच्चे शादी में जाएंगे उल्टा सीधा खाएंगे, वहाँ दोस्त बनेंगे, वहाँ रिश्तेदार बनेंगे। तो जब तक इस काम को निपटा लो, ये काम निमट जाए तो सब बुलाएंगे, जाइए शादी में। अभी तो इनकी शादी में जाने लायक उम्र ही नहीं। सही बात। जब ये 35 साल के होंगे, पहलवान बनेंगे, लोग कार्ड देंगे, बुलाएंगे, वहाँ पैसे भी मिलेंगे और अपने शादी का कार्ड भी निपटाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चौधरी साहब, मुझे एक बात और जानना था। मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई कि उनके जो लड़के हैं, मेरे ख्याल से फिल्म आई थी सलमान खान की सुल्तान, उसमें शायद उन्होंने काम करा था। बिल्कुल, वो जो है उनके अखाड़े में प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। गुरु जी, हम आपके अखाड़े में प्रैक्टिस करेंगे, तो उनको गुरु बने थे, तो ये उनका सीन था। तो ये जो अखाड़ा था, वही जो अपना ISBT की तरफ है, वही है, वही अखाड़ा है, वो चंद्रकीराम जी के नाम से जो चंद्रकीराम, उसका नाम रखा गया है मास्टर चंद्रकीराम चौक। अच्छा, तो ये आपसे मुलाकात तो खैर बहुत अच्छी रही है, यादगार मुलाकात है हमारी। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि आगे जो आपने जो भविष्य के अंदर सोचा है कि इसको और आगे बढ़ा जाए, तो कुछ और कुछ सेंटर खोलने की सोच रहे हैं आप? आगे बढ़ाएंगे, इसके अंदर टीन सेट डलेगा, एक गद्दे का हॉल बनेगा। अच्छा, क्योंकि बच्चे की तैयारी दिखाई दी और गाँव वालों का सहयोग हुआ, तो इसके अंदर काफ़ी काम है अभी। सेट डलना है, गद्दे का एक हॉल बनेगा, बच्चों की रहने की व्यवस्था बनाएंगे, बच्चे यहीं रहें, यहीं से स्कूल जाएं। अच्छा, वापसी आएं। अच्छा, मेरे इस गेट के अंदर रहें, गेट से बाहर ना जाएं। मतलब एक टोटल जैसे गुरुकुल होता है, उस टाइप का बनाएंगे। बिल्कुल, गुरुकुल बनाना चाहते हैं आप, जो कि बच्चों की शिक्षा वगैरह सारी यहाँ पे रहे। दिल की इच्छा है, दिल की इच्छा है, जिसके अंदर आप स्टडी भी करवाएंगे और अपना पढ़ाएंगे भी अपनी तरफ से, तो ये तो बहुत बड़ा कार्य है। 4-5 बच्चे हैं, इनके मम्मी पापा अगर सोच लें हाँ, और हमें रहना है यहाँ, बच्चों को रखना है, तो मेरी दिल इच्छा है कि वो छोड़ें। ये तो बहुत ही पुण्य का कार्य करेंगे चौधरी साहब आप। और ये चौधरी साहब, मुझे बताइए कि जैसे एक व्यायामशाला आपने यहाँ पे खोली हुई है, तो कुछ और व्यायामशाला खोलने की इच्छा है आगे जाके? एक ही व्यायामशाला चल जाए काफ़ी, एक व्यायामशाला। हाँ, ये भी बात सही है। एक व्यायामशाला मास्टर जी की और दूसरी मास्टर जी की यहाँ है, तो तीसरी हमें क्या खोलनी है अपने लिए? सही बात है, सही बात है। अपने लिए नहीं है, ये गुरु जी की व्यायामशाला है, गुरु जी मतलब एक गुरु भक्ति का एक आपने वो दिया है कि उनके नाम से वो चला रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, आजकल के ज़माने के अंदर ऐसा होना भी बहुत मुश्किल है। गुरु जी की देन है, ये गुरु जी की देन है जो आज यहाँ है। मास्टर जी के साथ हम जब भी एक एक दो दो घंटे का सफ़र करा, कभी उन्होंने पानी मैंने पीता हुआ नहीं देखा, कभी मैंने हंसते हुए नहीं देखा, खाते हुए नहीं देखा। उनका ये नेचर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। अखाड़े में रॉब रखा इसी तरीके से कि वो किसी बच्चे से हंसते नहीं थे, तो अखाड़े में दबदबा था, उसी तरीके से मैं रहता हूँ, देखिए कैसे बच्चे चुप हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक इंस्टीट्यूट के अंदर अनुशासन होगा तभी बच्चे सीख पाएंगे। तो उसी तरीके चल, मतलब जैसे आपके गुरु थे वैसे ही आप अपना वो कर रहे हैं, पूरा तरीका निभाते हैं। हाँ, तो उनको कुछ अखाड़े हैं जो छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे मास्टर चंद्रग्राम जैसे और गुरु हनुमान जैसे जितने बच्चे हैं, हमारे जितने भी गुरु जी के शिष्य हैं, कोई भी नहीं, किसी ने भी छोड़ने छाड़ने वाली बात करी। सबसे पहले गुरु जी के जो शिष्य थे वो जगरूप पहलवान जी थे, पहला शिष्य। अच्छा, DSP रिटायरमेंट हुए और आज के टाइम में भी पूरे अखाड़े को देखते हैं, आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, परिवार को मिलते हैं, परिवार जैसे हैं वो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जैसे मैं किसी बड़े पहलवान का नाम नहीं लेना चाहता मेरे चैनल पे, कि जो शुरुआत करी थी मास्टर जी ने लेडी मतलब फीमेल कुश्ती वाली, तो वो मेरे ख्याल से जैसा आपने बताया कि उन्होंने शुरुआत करी थी, ये अभी जैसे सब जिस लेवल पे होना चाहिए था उनके बच्चों को, मेरे ख्याल से उनकी लड़कियाँ इस लेवल पे हैं इस समय। उसने लड़कियों शुरुआत में भारत कैसी बनी, मेडल लेके आई, जितना काम हुआ उन्होंने किया, और जगदीश ने जितना काम किया मैं लग करता हूँ बहुत ज़्यादा किया, 14 बार वो विदेश होके आए हैं, भारत के सही हिंद के सही बने, और सबको संभालते हुए भी अपने अखाड़े की बात रखी, पिताजी की परंपरा बना के रखी, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। और आप बता रहे थे कि जगदीश जी फिल्म दंगल के अंदर भी कुछ उनका, फिल्म दंगल में वो गुरु बनते हैं उसके, सलमान खान के, आमिर खान के, सॉरी आमिर खान के,
तो दोस्तों ये जगदीश जी हैं जो इनका इंटरव्यू हमने अभी टाइप करा है, आने वाले समय उनसे हम इंटरव्यू लेंगे उनका। तो दंगल में वो थे, गुरु थे, तो वो कुछ मेरे ख्याल से आपके सलमान खान के गुरु बन रहे हैं। दंगल तो सलमान खान की नहीं, वो तो वो थी, सॉरी ये तो सलमान खान। गुरु जी, जैसे मैंने आपको आपका दिखाया है यहाँ पे कि किस सादगी से रहते हैं, तो दोस्तों मैं बताऊँगा कि ये एक कमरा है जिसमें गुरु जी खुद खाना बनाते हैं कभी कभार, और खुद दूध वगैरह सब करते हैं। ये छोटा सा कमरा देखिए कितनी सादगी से रहते हैं, और कुछ बहुत बड़े बड़े पहलवानों की यहाँ पे मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ, तो उन्हीं के बारे में पूछता हूँ। तो गुरु जी, ये फोटो किन की है? जसराम खलीफा जी हैं, ये सुशील है बेटा हमारा। अच्छा, चंद्रग्राम के शिष्य। अच्छा, और ये जोगिंदर है हनुमान के अखाड़े से। अच्छा, ये जुम्मा मस्जिद में कुश्ती हुई थी उनकी। अच्छा, और ये त्यागराज में स्कूलों का जिसमें आप चीफ गेस्ट थे, प्रोग्राम थे उसमें चीफ गेस्ट थे। ये पहलवान सतपाल है। अच्छा, ये जगदीश कालीरमण है, वो चेतन क्रिकेटर है। अच्छा, ये जगदीश पहलवान है। ये आप जगदीश पहलवान जी को देखा होगा आपने सुल्तान में। जी जी, ये वही है। हाँ, वही है। ये मेरी फोटो है, सिर्फ एक ही फोटो बची, पहले फोटो का बहुत शौक। ये गुरु जी की फोटो है, ये अपनी है, ये अपनी फोटो है। अच्छा, ये ऊपर है आप? हाँ, गुरु हनुमान के राजेंद्र से है। अरे वाह, ये सुशील की कुश्ती इंदौर में हुई थी, 50,000 रुपये कुश्ती हुई थी, इंदौर में बुलाया मंगल पहलवान से हुई। अच्छा, मंगल पहलवान से। ये मेरे परिवार के हैं, पिताजी हैं, छोटा भाई है, ये मेरी फोटो है, तो शुरुआत अखाड़े की थी मेरी, वो है ये वाली। हाँ जी, शुरुआत अखाड़े की है ये। और ये जुगंदर और मेरा बेटा, ये कुश्ती जुम्मा मेहनत की है। अच्छा, ये आमिर खान, ये आमिर खान जी हैं। ये शूटिंग हुई थी, ये दंगल फिल्म की जो शूटिंग हुई थी। हाँ, ये दंगल की हुई थी तब की है। और ये हनुमान है। अच्छा, ये दंगल में आए हुए थे जब की है। ये माता जी है, जगदीश की मम्मी है, ये बिटिया है उनकी सोनी कालीरमण, ये जगदीश है, ये मुलायम सिंह, ये महाबली सतपाल जी हैं, ये सहदेव कोच जी हैं, जगदीश जी हैं, पहलवान सतपाल, ये मास्टर चंद्रगा में शिष्य हैं, ये सतपाल जी के शिष्य हैं, ये हमारे अखाड़े में कुश्ती हुई थी। अच्छा, ये पिताजी हैं। पिताजी, अच्छा, ये मास्टर, पिताजी के नाम, ये मास्टर चंद्रग्राम जी हैं गुरु जी। ये आपके पिताजी होराम जी। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी तस्वीर लगाई हुई है इन्होंने। ये शर्मन है लड़की, जो अपने बीच में मेडल लेके आई है, ये इनके पिताजी हैं। अच्छा, हाँ, ये सहदेव कोच की देन है। हाँ, अच्छी प्रैक्टिस कर जी, 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 जी। इसी तरीके से अपने पोतों के लिए दूध लेके आते हैं, ये करवा के ले जाते हैं, इन्हीं के पास चाबी होती है, टाइम टेबल से खोलना खालना ये करना, ये हमारे बहनों भी हैं। अच्छा, रिश्तेदारी को निभा रहे हैं, अखाड़े को निभा रहे हैं। आप नाम बताइए इनका। रामचंद्र को महेंद्र, चौधरी महेंद्र जी। अच्छा, ये गांव पावटा में यहीं पे रहते हैं। गांव पावटा में, पावटा में यहीं पे हैं। धन्यवाद महेंद्र जी, आप आए, आपका शुक्रिया कि आप, और सबसे बड़ी बात कि आप इस अखाड़े को संभाल रहे हैं और सहायता कर रहे हैं बच्चों की, ये बहुत बड़ी बात है। तो चौधरी साहब, धन्यवाद फिर दोबारा आपका करता हूँ कि आपने आपका टाइम दिया, कीमती वक्त दिया, और भविष्य में आपसे जरूर मिलेंगे और टाइम दे के आएंगे, और जब बड़े होंगे बच्चे तब भी आपका एक इंटरव्यू लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। चौधरी साहब, एक सवाल पूछना था जो आजकल काफ़ी मीडिया में चल रहा है, काफ़ी महीनों से मेरे ख्याल से चल रहा था। जो पहलवान सुशील कुमार जी थे, जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या वो आपके नज़र में सत्य है, क्या किस तरह से आप देखना चाहेंगे उसको? देखो, इस चीज़ के लिए मैं नहीं कह सकता, ये तो फैसला कोर्ट करेगी, और कोर्ट जो करती है वो बहुत ही अच्छा करती है, न्याय हमें भरोसा है। लेकिन सुशील पहलवान ने सारे मेडल लिए, शादी अच्छी जगह हुई, गुरुजी ने अपनी बिटिया दी, फिर दो बेटे हुए, अब ये जो मेडल मिला है लास्ट में, ये कुदरत ने दिया, भगवान ने दिया, क्या होना हुई है इससे, हम भी दुखी हैं, हमारा देश भी दुखी है, ये क्या हुआ। अब इसके लिए हम इधर उधर कहें तो हमसे बातें आ नहीं रही हैं। पहलवान सतपाल कितने बड़े पहलवान थे, क्या कभी उन्होंने सोची ऐसा? और सुशील पहलवान तो इतना बढ़िया देवता आदमी, मुझे भी कभी कभी अचंभा होता है, ये क्या हुआ, अब हुआ क्या है, ये हम कह नहीं सकते, हमारे सामने नहीं,
बिल्कुल, लेकिन बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है। नहीं, एज ए पहलवान की वो मतलब पहलवान की करियर उनका मेरे ख्याल से खराब हो गया। करियर तो खराब हो गया, होने में तो कमी कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो फैसला करी कि उसके बाद मैं तो कहता हूँ वो आए और तरीके से रहे, अपने अखाड़े को संभाले, अपने नाम को संभाले, फिर हो सकता तरीका बदल जाए। लेकिन जो बच्चा गया है वो पहलवान जो जिनके जो बताते हैं ऐसा हुआ है, वो भी हमारे अपना पहलवान था, अच्छा पहलवान था। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन पहलवान तो बहुत साधारण इंसान होते हैं, दिमाग के ठंडे दिमाग के होते हैं, गर्माश और गर्म दिमाग के तो मुझे लगता नहीं, लेकिन जितने पहलवान तो गऊ के टाइप होते हैं, गऊ और साधारण होते हैं, ठंडे दिमाग के होते हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ इससे तो हमारा देश परेशान है, हमारा हम परेशान हैं, पहलवानी लोग भी परेशान, पहलवान लोग पूरी पूरे पहलवान जगत भी, पहलवान जगत जगत के पहलवान, पहलों पे बड़ा असर पड़ा है, तो ये हमारे देश में भी असर पड़ा है। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हमें भी बड़ा अफसोस आता है उस सुशील पहलवान को सुन के। जब मैं उसको मिलने जाता था, कभी मिला हूँ एक दफ़ा, उसका स्वागत भी मैंने किया है, लेकिन आज वो कहाँ हैं, पहलवान सतपाल जी के दिल पर क्या बीत रही होगी, रिश्तेदारों को क्या बीत रही होगी, जितने अखाड़े हैं उनके भी दिल पे थोड़ा बुरा लग रहा है कि सतपाल ने क्या पहलों को बनाया, क्या हुआ, क्या किया, कहाँ पहुँचेंगे। सही बात। तो चौधरी साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे चैनल पे आए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने फार्म हाउस पे टाइम दिया। तो इसी के साथ मैं आपका ये इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और भविष्य में कभी और भी ज़रूरत होगी आपकी, हम आपको याद करेंगे और आपके फिर दोबारा इंटरव्यू करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थे हमारे चौधरी साहब लेखराम जी, कोटला निवासी। इनकी जर्नी हमने आपको बताई है, बहुत ही खुश मिजाज हैं, और आपको एक बात बताना चाहूँगी, इस उम्र के अंदर ये इतना कार्य कर रहे हैं कि अभी भी देखिए स्टूडेंट को कैसे सिखा रहे हैं। तो इनके साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही हमारी, और आगे एक इंटरव्यू और कर रहे हैं, बहुत बड़े पहलवान का हम आने वाले एक सीरीज़ के अंदर भी आपको इंटरव्यू दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, और चौधरी जी के नाम को और रोशन कीजिए, और यूट्यूब फैमिली के लिए ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, और प्लीज़ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद। मैं कभी और भी ज़रूरत होगी आपकी, हम आपको याद करेंगे और आपके फिर दोबारा इंटरव्यू करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों, ये था आज का इंटरव्यू चौधरी लेखराम पहलवान जी उर्फ खलीफा जी के साथ, बहुत बढ़िया रहा, और आज इनका फार्म हाउस हमने देखा है, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बोल रहा था इस इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने हमें टाइम दिया है, तो ये सबसे अच्छी बात लगी इनकी कि इन्होंने जो गाँव का एक हिस्सा जो बच्चों का है, इन्होंने अपने हिसाब से कुछ बच्चों को गोद लिया हुआ है, जिनको ये कोशिश करेंगे आगे अच्छा पहलवान बनाने की। जैसे मैं गुरुजी ने बोला है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, नर्सरी फर्स्ट, नर्सरी केजी और फर्स्ट, तो 3 साल के बाद फिर वहाँ पे मास्टर जी के अखाड़े में जाएंगे, जहाँ पे ये आगे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ गुरुजी आपका, और ये बच्चों का, सब हेलो करो, सब हेलो करो, हाय बोलो, हाय हाय। तो ये हमारे नन्हे बच्चे हैं जो कल के होने वाले पहलवान हैं, ये बिल्कुल छोटे बच्चे, तो इन्होंने अभी शिक्षा स्टार्ट कर दी है लेनी गुरुजी से, तो आगे जाके यही होंगे हमारे देश के अच्छे पहलवानों में गिने जाएंगे, और अच्छे अपने गुरु का नाम करेंगे, और इस अखाड़े का नाम करेंगे, और इस गांव का नाम करेंगे, जो कि पावटा गांव है अपना हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा में। और मैं चाहता हूँ कि आप इनको खूब एक प्रशंसा करें लोग, और खूब एक ऐसे एक आशीर्वाद दें इस अखाड़े को कि यह अखाड़ा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और दूसरी बात यह है कि ये जो इन्होंने ये कराया काम, ये बच्चों के साथ खेलने का, मतलब इनको सिखाने का, तो ये बहुत बड़ा काम है। और मैं यहीं पे अभी आपसे विदा लेता हूँ, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद, फिर दोबारा गुरुजी को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, और आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।